हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में हैं सीबीएसई की टॉपर क्लास 10th में, जिन्होंने टॉप करा है। 499 मार्क्स आए हैं इनके 500 में से। यह हैं नंदिनी गर्ग, जो कि शामली में स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से इन्होंने क्लास 10th की पढ़ाई करी। तो हेलो नंदिनी। हेलो सर। तो आज हम इनसे इस वीडियो में मैथ्स स्पेसिफिक बात करेंगे। इनके मैथ्स में 100 out of 100 थे, 499 मार्क्स हैं। एक नंबर कटा था हिंदी में, एक नंबर कटा था, बाकी चारों सब्जेक्ट्स में पूरे 100 out of 100 थे। सोशल स्टडी, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करी जाए। तो इस वीडियो को बेसिकली हम मोर और लेस तीन पार्ट्स में रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम के पहले की प्रिपरेशन कैसे करी। फिर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान जो प्रिपरेशन का ब्रेक होता है उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड लास्ट, एग्जाम लिखते टाइम जो हम एक बोर्ड का पेपर लिखते हैं उस दौरान पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पेपर लिखना चाहिए, कैसे स्टेप मार्किंग होती है, कैसे हम हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नंदनी ये बताइए, आपने एग्ज़ाम के पहले कैसे प्रिपरेशन करी? एग्ज़ाम से पहले तो NCERT मैंने बहुत अच्छे से करी थी मैथ्स की। और मैं सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि NCERT मस्ट है, उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। NCERT पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा NCERT, मतलब एक बार तुम कॉन्फिडेंट हो, गो थ्रू हो गए तुम NCERT के, और तुम्हें लगता है कि अब मैं इससे थोड़ा अच्छा करना चाहिए, तो तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉपरली 3 आवर्स की सिटिंग के साथ। तो उसमें एक तो तुम्हें पता चलेगा कि और कि लिखना कैसे है, सॉल्यूशंस कैसे लिखने हैं, और वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। हर सॉल्यूशन कैसे लिखना है, मतलब क्योंकि बोर्ड्स में ऐसा रहता है रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर टीचर को तुम्हारा आंसर ढूंढना पड़ेगा तो वो मार्क्स कट जाएंगे। और जो तुमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उसको किसी एक्सपीरियंस टीचर से चेक कराओ, जो तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हें बताए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उनसे पिन पॉइंटेड हर चीज़ पूछो कि किस तरह से कैसे लिखना है। क्योंकि एक तरीके से तुम्हें सोल्यूशन आ जाता है, बट उसे लिखना, रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिविजन उन चैप्टर्स का करो सबसे पहले जो तुम्हें लगता है वीक है, क्योंकि हमें पता रहता है कि एक तरीके से एक डर होता है कि ये चैप्टर थोड़ा नहीं आता, तो जो वीक चैप्टर्स हैं उनको उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो। NCERT के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए, और जो उसकी एक्सरसाइज